यूपी विधानसभा चुनाव के दंगल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जब प्रतापगढ़ के कुंडा में रैली करने पहुंचे तो खुद को राजा भैया पर हमला करने से नहीं रोक पाए। सियासी बयार में अखिलेश ने कहा, कुंडा में अन्याय की सारी सीमाएं लांघी गई हैं, अब बदलाव होगा। अखिलेश ने नाम लिए बगैर ही कहा, इस तरह कुंडी बंद कर दो कि फिर खोल ना पाए। और जो सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें भी सम्मान का जीवन ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बताओ, कुंडा के लोग कुंडी लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो दल है, उन्होंने बीजेपी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और बताओ, कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं, उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। अखिलेश यादव ने बीजेपी और सीएम योगी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुंडा में मिले जनसमर्थन को अगर गर्मी निकालने वाले देख लेंगे तो उनकी भाप निकल जाएगी। इस बीच अखिलेश ने किसानों से पूछा, बताओ क्या आपको आपकी फसल की कीमत मिली है या फिर नहीं? बताओ किसान भाइयों, आपके लिए कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। हमारी बीजेपी के लोगों ने भरोसा दिलाया जनता को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, इनकी सरकार में किसी भी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बता दो। कुंडा में अखिलेश ने कहा, मैंने सुना है इस बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धमकी भी दी जा रही है, कुछ दिया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है, इसलिए डरना मत, इस बार कुंडा में गुलशन ही गुलशन होगा। फिलहाल चुनावी माहौल में अखिलेश अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं, लेकिन इस मेहनत का फल अखिलेश को मिल पाएगा या फिर नहीं, इसका पता 10 मार्च को चुनावी नतीजों के साथ ही चलेगा।